तो ये जंगल आप देख सकते हो, ये जंगल है चंबल नदी के किनारे, गरड़िया महादेव का जंगल है। एकदम शांत वातावरण है यहाँ पर, सिर्फ पक्षियों की वॉइस आ रही है, बाकी कोई वॉइस नहीं आ रही है। तो यार आजकल यहाँ पर पास में जाके शूट नहीं करने देते, गार्ड बेटर रहता है। जंगली जानवर रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे, लेकिन अभी दिन के टाइम पर आना जाना रहता है लोगों का, तो यहाँ पर देखने को बहुत कम मिलेंगे। कि पूरा जंगल है, पूरा खाली है, और मैं अकेला चल रहा हूँ इस रास्ते पे। यहाँ से देखो यार कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। यहाँ पे टिकट भी चालू हो गया है, 1 person 137 और बाइक का 65 rupees लगने लग गया है यहाँ पे। तो 200 rupees, मतलब अगर एक आदमी और एक बाइक लेकर आता है तो 200 rupees यहाँ का टिकट है, और विदाउट टिकट नो एंट्री। ये शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, सुबह 8 बजे ओपन होता है। यहाँ पे इस जगह से पूरा वाइड व्यू मिल जाएगा देखने को, और यहाँ से पूरी नदी दिखती है और एकदम साफ दिखती है। यहाँ पे ज़्यादा पेड़ भी नहीं है, ये मंदिर के पास वाली लोकेशन है। ये हाइट देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा है, और यहाँ पर वो शूटिंग हुई थी मनबरिया वाले सॉन्ग की, बीप्राग वाले की जो शूटिंग हुई थी वो यहीं पर हुई थी। तो यहाँ से देखिए गरड़िया महादेव मंदिर का व्यू, मंदिर थोड़ा नीचे है नदी के पास, झरना भी नीचे है, उसके लिए हमें नीचे चलना पड़ेगा। बाकी आप ऊपर से जगह देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल है, और सामने नदी में पानी भरा हुआ है यार। अब थोड़ी हवा चली है, बाकी सुबह से हवा नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मौसम बहुत बेकार गंदा हो रहा था यहाँ पे, बट अब सही है, थोड़ी हवा चल रही है। बाकी पानी इस साइड से आता है और इस साइड में आगे की तरफ चला जाता है। ये यहाँ का व्यू है, बाहर बहुत गर्मी हो रही थी, थोड़ी देर यहाँ पर आके बैठा तो थोड़ा सा सुकून मिला, यहाँ पे छाँव थी, हवा आ रही थी बढ़िया। और अब सीढ़ियों से चलते हैं नीचे। ये है मंदिर सामने की तरफ, और यहाँ पे चल रहा है नीचे वाटरफॉल। नीचे चल रहा है मेरे हिसाब से, आवाज़ उधर से आ रही है, तो मंदिर की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है। ये वाला जो पत्थर देख रहे हैं ना आप, ये वाला पत्थर पहले यहाँ नहीं था, इसको उठा के लाया गया यहाँ पर रखने के लिए सिर्फ। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का पत्थर है, कटा हुआ है, इसको ला के यहाँ रखा गया है सिर्फ ये लिखने के लिए। फोर व्हीलर यहाँ तक आ सकती है, वहाँ पे भी खड़ी है गाड़ी, और बहुत सारा स्पेस है बाइक वगैरह रखने के लिए।